आदरणीय चिदानंद मुनि जी को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके द्वारा कितने सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं और लगातार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के लिए और समाज की सेवा में जो अर्पित किया है। और हम सबके सामने एक उदाहरण भी है कि जिस प्रकार से वो उन्होंने इस परमार्थ आश्रम के माध्यम से बहुत से सेवा के काम निरंतर करते हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर कई नए कार्यक्रम स्टार्ट करने का मन बनाया है परमार्थ आश्रम की ओर से माननीय पूज्य महाराज जी ने। वृक्ष लगाए जाएंगे, 75 जलाशय बनेंगे और प्लास्टिक को रोकने के लिए ये इस जो पांचों लोग खड़े हैं उनके द्वारा एक नुक्कड़ नाटिका या उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा प्लास्टिक को पूरी तरीके से समाज से बाहर करने के लिए। और जिस प्रकार से आज एक मेडिकल कैंप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है और सावन के महीने में यहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं और दवाई की वैल्यू उसके सामने होती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कष्ट में होता है, जो अस्वस्थ होता है, उसके लिए दवाई की जो वैल्यू होती है, मैं समझता हूँ कि जितना बढ़िया तरीके से वो वर्णन कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निःशुल्क रूप से ये दवा की व्यवस्था करना, उनके इलाज की व्यवस्था करना और आज ही जैसा बताया गया कि 200 लोगों को यहाँ पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेरणादायक उदाहरण है और हम महाराज जी के इस प्रयास को नमन करते हैं और उनको साधुवाद भी देते हैं कि वो लगातार किसी न किसी प्रकल्प के माध्यम से लोगों को राहत देते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, ज़िंदगी को आसान बनाने में सहयोग देते हैं। मैं आज महाराज जी को प्रणाम करता हूं और उनके संपूर्ण परिवार को, इस परमार्थ परिवार को और ख़ास तौर से उनके सभी सहयोगियों को कि जिनके द्वारा ये सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जो संकल्प लिया गया वो भी अपने आप में स्तुत्य है और हम आप सबको भी इसके लिए बधाई देते हैं कि आप लोग उनका संबल बढ़ाए रहें और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी को और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की ईश्वर प्रेरणा देता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Let's go!